नमस्कार जेसिका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। आप सभी जिला वासियों को ब्यावर जिला बनने की बहुत बहुत बधाई। ब्यावर को जिला बनाने की बरसों पुरानी मांग ने सोमवार को मूर्त रूप ले लिया है। सोमवार को शहर के मिशन ग्राउंड पर आयोजित ब्यावर जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में हवन पूजन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से जयपुर से ही ब्यावर जिले की अनावरण पट्टिका का अनावरण किया। सीएम गहलोत द्वारा ब्यावर जिले के अनावरण पट्टिका का अनावरण करते ही पांडाल में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जिले के निवासियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को गुंजायमान किया। इस दौरान पांडाल में उपस्थित लोगों ने कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इससे पूर्व सोमवार को ब्यावर स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत पूरे ब्यावर में उत्साह, उमंग और हर्ष का वातावरण बना रहा। शहरवासियों के साथ में उत्साह और उमंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर में आज कोई तीज त्योहार बन रहा हो। हर तरफ बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ गीतों की गूंजती स्वर लहरियों जैसे वातावरण को आनंदित कर रही थी। मिशन ग्राउंड पर प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए ब्यावर जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के महिलाएं और पुरुष जो थे विभिन्न प्रकार की आकर्षक वेशभूषा में थे, सजे धजे नजर आ रहे थे। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कर्मचारी और पार्षदगण जो थे वो बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ कच्ची घोड़ी नृत्य और चरी नृत्य करती हुई महिलाओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य गेट पर अतिथियों के स्वागत के लिए शंखनाद के साथ ढोल नगाड़ों की थाप और कालबेलिया नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं भी मौजूद थी। ब्यावर जिला बना, क्या कहना? ब्यावर जिला बना ये बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारी काफी वर्षों से मांग चल रही थी ब्यावर शहरवासियों की। लगभग 60 साल से सभी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, सभी ने अपने पूरे प्रयास किए हैं ब्यावर जिला बनाने के लिए। और ब्यावर एक बहुत बड़ा शहर है और ये जिले की काबिलियत रखता है। आज मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने ब्यावर को जिला बनाया है। उसमें रायपुर, जेतारण, बदनौर, विजयनगर और मसूदा को जोड़ के ब्यावर जिला बनाया है। बहुत ही खुशी की बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। मेरे हृदय से और तन मन से ये कहना चाहता हूँ, जो श्रीमान जी अशोक जी गहलोत साहब वृद्धावस्था होते होते और काफी प्रयास था कि जिले का ब्यावर का जो तमन्ना पूरी होगी है, ब्यावर जिला बनाया तो, और अशोक गहलोत जी को हम बधाई देते हैं और ब्यावर को जिला का और प्रगति की लेवल। बहुत ही खुशी की बात है। बहुत पहले मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का। मैं तो लोकल निवासी हूँ, तो मेरा यही सपना है कि भाई अब जब ब्यावर अगर जिला बना है तो ब्यावर का विकास होगा। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो यहीं पे सब पूरी हो जाएगी। हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, सुविधा है, क्योंकि हम दूर तक जाना पड़ता है अजमेर तक, तो ब्यावर इधर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। और सुविधा करो, इसलिए हमारे इधर लेने की सवालिंग और हमारे तो सड़कें कच्ची हुई है जो हमको पक्की चाहिए बिल्कुल। हम आपको यही कहना भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशी है कि ब्यावर हमारा जिला बन गया है। पहले परेशानी होती थी हर चीज के लिए, अजमेर जाना पड़ता था, अब हमारे यही बन गया तो यही कम से कम पास में और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा जिला काफी वर्षों से इसकी हम वेट कर रहे थे। वैसे इसके लिए हमें बहुत बहुत अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वधर्म प्रार्थना और हवन पूजन के साथ किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, विधायक शंकर सिंह, मौजूदा विधायक राकेश पारिक, ओएसडी पुलिस नरेंद्र सिंह, ओएसडी प्रशासन रोहित अश्व सिंह तोमर, कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी, मनोज चौहान सहित कई अन्य अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां देकर ब्यावर जिले के उत्तरोत्तर विकास की कामना की। सर्वधर्म प्रार्थना सभा और यज्ञ आदि के बाद मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसके तहत देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। सर्वधर्म प्रार्थना के दौरान राम स्नेही संत गोपाल राम महाराज, मसीह समाज के जेके शर्मा, सिख समाज गुरुद्वारा के प्रतिनिधि हरदीप सिंह और मुस्लिम समाज के सैयद मोहम्मद इरफान अशरीफी आदि भी मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के पश्चात मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री मीणा ने अतिथियों के साथ ब्यावर पर जारी डाक टिकट का विमोचन भी किया। इस दौरान पूरा पांडाल रखाचाखचक दर्शकों से भरा हुआ भी नजर आया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधायक शंकर सिंह रावत, कांग्रेस नेता मनोज चौहान अपने अपने समर्थकों के साथ में पहुंचे। इस दौरान दोनों के समर्थकों ने उन्हें भारी नारेबाजी के साथ कंधों पर उठाकर मंच तक पहुंचाया। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, डिप्टी मनीष चौधरी, भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, मसूदा विधायक राकेश पारिक, जेतारण विधायक अविनाश गहलोत, सोजत विधायक शोभा चौहान, मगरा विकास बोर्ड
के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत, मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य, कांग्रेस नेता सोहन मेवाड़ा, राजेंद्र औसतवाल, अशोक राकर, नगर परिषद के भाजपा कांग्रेस के पार्षदगण, बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत भी हुआ। कार्यक्रम में ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, रायपुर, जेतारण और बदनोर प्रशासन से जुड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में यहां के निवासी भी मौजूद रहे। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान जब सीएम अशोक गहलोत 12:15 बजे करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों से जुड़े, इस दौरान गहलोत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की वेदियों देते हुए उन्होंने आहुतियां भी दी और सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते ही पंडाल में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा और राज्य के मंत्रियों के उद्बोधन के पश्चात सीएम गहलोत ने वर्चुअल रूप से नवगठित जिलों के स्थापना अनावरण पट्टिकाओं का अनावरण किया। इस अनावरण पट्टिकाओं का अनावरण के मौके पर प्रदेश के जिलों की वेबसाइटें भी लॉन्च की गई। इसके बाद सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से मुखातिब होते हुए नवगठित जिलों के लोगों को बधाइयां देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने 50 जिलों का राजस्थान, जय जय राजस्थान के नारे के साथ प्रदेश में उनके कार्यकाल में किए गए तमाम विकास कार्यों की जानकारी भी उन्होंने दी। सोमवार को ब्यावर स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से मिशन ग्राउंड में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का बोलबाला भी रहा। प्रशासन की ओर से करीब 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन आलम था कि पहले जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कवरेज के लिए आमंत्रित की गए मीडिया कर्मियों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई। मीडिया कर्मियों के लिए कोई भी स्थान तय नहीं था जहां से कार्यक्रम का कवरेज भी किया जा सके, ऐसा कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने जब मौके पर मौजूद पीआरओ मनीष कुमार जैन से इस बारे में बातचीत की तो वे स्वयं भी बगले झांकते नजर आए। वे स्वयं अव्यवस्थाओं की बात पर इशारा करते हुए दर्शकों के बैठने के लिए रखी गई कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए वहां पर बैठे लोगों को उठाकर वहां पर बैठने की बात करते नजर आए। इसी प्रकार अव्यवस्थाओं के चलते पार्षदों को भी बैठने की जगह नहीं मिली। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनोज चौहान को भी बार बार उठाने पर वे नाराज हो गए, कार्यक्रम स्थल से बाहर भी आ गए। इस दौरान सिटी थानाधिकारी भूराराम खिलेरी ने उन्हें मनाया। इसके बाद चौहान स्वयं का कार्यक्रम होने की बात कहते हुए पुनः कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान चौहान ने अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को उचित मान सम्मान नहीं दिए जाने पर उन्होंने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश जताया। उचित मान सम्मान के अभाव में विधायक रावत ने कार्यक्रम के अंत तक माला तक नहीं पहनी। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बताया कि उनका कार्यक्रम को लेकर कोई विरोध नहीं, वे जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को नसीहत भरे लहजे में नसीहत दे डाली कि वे ब्यावर के लोगों के मिजाज को समझें और शहर विकास के लिए काम करें। उन्होंने ब्यावर को जिला बनाने के लिए सीएम गहलोत का भी आभार जताया। इस दौरान उन्होंने सीएम गहलोत में पूर्ण आस्था जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद चौथी बार पुनः सीएम पद की शपथ लेने की कामनाएं की। नहीं, विरोध नहीं है, हम लोग सब अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, उन्होंने जो हमको जिला बनाया है उसको हर्षोल्लास से मनाने आए हैं। प्रशासन की जो लापरवाहियाँ होती है उसके लिए उनको डांटना फटकारना पड़ता है, और ये लोग ये सोचे कि अशोक गहलोत जी के आवरण में छुप करके गलतियाँ करते रहेंगे तो उसको ब्यावर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और यहाँ के अधिकारी जो यहाँ पे पोस्टेड होने जा रहे हैं वो ब्यावर के मिजाज को समझें, ब्यावर के तुलक मिजाज को समझें, ब्यावर के लोग मिजाजी हैं। अगर कोई आदमी दुर्व्यवहार करता है तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ सम्मान है, ब्यावर का व्यक्ति सम्मान के बगैर कोई चीज़ ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी में पूर्ण आस्था है, उन्होंने जो काम किया है अस्वस्थ होते हुए रहते हुए भी वो कोई नहीं कर सकता था। ब्यावर के लिए जो व्यक्ति हम लोग जीवित हैं जब तक उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते, और भगवान से कामना करेंगे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की। ब्यावर स्थापना दिवस समारोह और सीएम अशोक गहलोत द्वारा सोमवार को वर्चुअल रूप से ब्यावर जिले की अनावरण पट्टिका का अनावरण करने के बाद ब्यावर जिले ने मूर्त रूप ले लिया है। सोमवार से ब्यावर जिला पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया है। आजादी के बाद 1956 में गठित राजस्थान प्रदेश में ब्यावर को जिला बनाने की शुरू हुई मांग आखिरकार 67 साल बाद पूरी हो गई। सीएम गहलोत ने इस वर्ष बजट घोषणा में प्रदेश में एक साथ 17 नए जिले बनाने की घोषणा करते हुए ब्यावर को जिला घोषित कर दिया। 4,54,978 हेक्टेयर वाले नवगठित ब्यावर जिले में 191 ग्राम पंचायतों, जिसमें 470 राजस्व ग्राम को शामिल किया गया, 7 जिलों की सरहदों से सटे ब्यावर जिले में 5 उपखंड, 7 तहसील और 2 उप तहसील शामिल है। जिले में 50 गिरदावर हाउस और 209 पटवार मंडल शामिल किए गए हैं। जिले में ब्यावर, मसूदा, रायपुर, जेतारण,
बदनोर विधानसभाओं को शामिल किया गया है। जिले की सीमाएं अजमेर, पाली, राजसमंद, केकड़ी, जोधपुर, भीलवाड़ा और नागौर से सटी हुई है। जिले की जनसंख्या में 5,71,575 पुरुष और 5,59,201 महिलाएं शामिल हैं। कानून और सुरक्षा की दृष्टि से 11 पुलिस थाने शामिल हुए हैं। राजस्व की दृष्टि से ब्यावर जिला प्रदेश का समृद्ध जिला होगा। ब्यावर में औद्योगिक इकाइयों में श्री सीमेंट ब्यावर, श्री सीमेंट रास, अंबुजा सीमेंट और निर्मेक्स सीमेंट आदि भी शामिल हैं, जिसके चलते इनका जिले के विकास में अहम योगदान होगा। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के रूप में शिरकत करने पहुंचे कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने ब्यावर जिला बनने पर जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम गहलोत ने एक साथ 17 जिले बनाकर प्रदेशवासियों को सौगात दी है। मीणा ने कहा कि सीएम गहलोत के कार्यकाल में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। सरकार ने आजादी के बाद जिलों का पुनर्गठन किया है, जिसका लाभ आम जनता को मिल पाएगा। नवीन जिलों के गठन से प्रशासन तक आम आदमी की पहुंच बहुत सुलभ हो पाएगी। मीणा ने कहा कि प्रदेश में सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी। ब्यावर में विगत 20 सालों से भाजपा का विधायक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने ब्यावर वासियों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है। यहाँ के निवासियों को मनन करना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि यहाँ की जनता मनन करेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। चुनावी तैयारियों के सवाल पर मीणा ने कहा कि प्रदेश की जनता खुश है और कांग्रेस को वोट देगी। देखो, जब से राजस्थान बना है और आजादी के बाद में राजस्थान की जनसंख्या करीब 3 गुना बढ़ गई थी और जिलों का पुनर्गठन हुआ नहीं था। पहली बार हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे ग्राम इकाई से लेकर के जिला इकाई से लेकर पंचायत समिति स्तर तक का सब पुनर्गठन किया है। मैं समझता हूँ कि इस पुनर्गठन से आम जनता को जो दैनिक जीवन के काम होते हैं उनका फायदा होगा, कानून व्यवस्था का लाभ होगा, हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं उनको संचालित करने अच्छी तरह से संचालित हो सकेंगी, ताकि जनता को उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। जहाँ तक ब्यावर जिले का सवाल है, वैसे जिला अभी 17 बने और 50 जिलों का राजस्थान हो गया है, लेकिन ब्यावर जिले की डिमांड बहुत पुरानी है। मैं समझता हूँ कि जब 1956 में राजस्थान का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक ब्यावर जिले की एक मांग थी और उस मांग को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने पूरा किया। ब्यावरवासी बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि जब नया ज़्यादा इंतजार होता है उनको ज़्यादा खुशी होती है। वैसे जिला 17 बने, निश्चित ही आने वाले टाइम में जिन जिलों का पुनर्गठन हुआ है पूरा प्रदेश हमारा प्रगति की ओर बढ़ेगा। ऐसा इतना तेजी से काम हुआ, आप भी जानते हो, जब बजट घोषणा हुई थी तो हमारे बहुत से साथी ये कह रहे थे पता नहीं जिलों का गठन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। इतना तेजी से इंप्लीमेंट हुआ बजट घोषणाओं का, आज पूरे 17 जिलों का गठन हो चुका और विधिवत रूप से काम चालू हो जाएगा। चुनावी मोड में तो आपको पता है पूरी जनता प्रसन्न है, खुश है, आपने देखो कि माहौल है, जनता ने बहुत काम किए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे और क्षेत्र हो, चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे पुनर्गठन का क्षेत्र हो, चाहे राजस्व के क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सरकार ने काम किए। निश्चित सरकार वापस रिपीट होगी। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने भी जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्बोधन ब्यावर को रास नहीं आया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर आक्रोश जताया। विधायक ने यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री ने ब्यावर को जिला बनाकर कोई मेहरबानी नहीं की, बल्कि ब्यावर को जिला बनाना तो उसका हक था। विधायक रावत ने जयपुर तक की गई पदयात्रा, आंदोलन और विधानसभा में उठे प्रश्नों का भी जिक्र किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताते हुए उनके कोट और चश्मे को लेकर भी कटाक्ष किया था। इस बात से नाराज विधायक रावत ने मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करते हुए जुबानी हमला कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा विधायक रावत ने। हाँ बताए सर। नमस्कार, मैं शंकर सिंह रावत, विधायक ब्यावर। आज ब्यावर जिले का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ और ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, हमें बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान के डेवलप के लिए कोई ना कोई बात और कहेंगे, जो काम किए हैं अच्छी बात है, लेकिन आज का भाषण आपका इतना बढ़िया नहीं लगा। आप तो भाषण को टोटली मोदी जी के ऊपर लगे हैं। अरे मोदी जी की जगह आप कहाँ तुलना कर रहे हो अपने आप की? जिला बनाया है और ब्यावर के ऊपर मेहरबानी नहीं की है। ब्यावर को ब्यावर का हक मिला है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा स्टेट और सबसे बड़ा जिला विधानसभा क्षेत्र, हर कोई सिटी ब्यावर की है, तो राजस्थान की 13वां नंबर की सिटी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 33 जिले बने हुए हैं,
ठीक है, आपके हाथों से इसका लिखा हुआ है। हमने दो दो बार पद यात्रा की है, ड्राइवर से लगाकर बात कर रहा हूँ, आप किसी आदमी से नहीं कर नहीं सकता है। हम बरसों से मांग कर रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक कोई सत्र ऐसा नहीं गया होगा, एक कोई जिसमें विधानसभा का अंदर ब्यावर जिले का क्वेश्चन नहीं लगा, कि उन्होंने जब जब हमने जिले के लिए आंदोलन छेड़ा और व्यापारी भाइयों तक सब ने अपना प्रतिष्ठान बंद रख करके निश्चित तौर पर हमारी मुहिम के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतना साधारण से जैसे कैकड़ी जिले के लिए इसी बार विचार किया और आपने जिला बना दिया, इसी बार ब्यावर में नहीं है, उस श्रेणी में है, ये आप दिमाग से निकालें। ज़्यादा जिला बना करके आप ये सोच करना चाह रहे हैं, जो सपने आपने सजोए हैं वो मामला मुझे तो नहीं दिख रहा,